ये नगर के बारे में जानना चाहते हैं। ये माया नगरी है और यहाँ के राजा सिल्वी क्या बोले हैं जाके अपने महाराज से कह दीजिए हाँ कि महल में देव ऋषि नारद पधारे हैं। नारद पधारे हैं देव ऋषि नारद। देव ऋषि नारद पधारे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। महाराज की जय हो। महाराज द्वार पे महर्षि नारद जी पधारे हुए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। जैसी आती हमारा आइए महाराज Thank you.
रेखा देखना है उसके बाद क्या लिखा हुआ है। कन्या को बुलाया जाए Thank you.
पुत्री ये जो भी उसने रात करेगा वो तीनों बेटे चौधरी होने का मालिक होगा। यदि उसका ऐसे तैयार रिहार हो जाए तो बच्चे चाहिए सब जो भी उसका मालिक होगा। इतना बड़ा उत्तम विचार है यानी उसका कैसे विवाह हो जा रहा है तो मैं तीनों लोग और चौदह का मालिक हो जाऊंगा। इसके लिए मुझे क्या करना उचित रहेगा? नारायण 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 कोई जात है ये विचार तो बड़ा ही उत्तम है कि मैं उस कन्या के स्वर्ग में जाऊंगा और उस कन्या से विवाह करूंगा किंतु उसके लिए सुंदर रहना भी आवश्यक है। इसके लिए हाँ इसके लिए मैं अपने आराध्य देव हरि नारायण के पास जाऊंगा। वो अपने हाथ से रूप देने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे। मुझे विलंब नहीं करना चाहिए और प्रभु के पास चलना चाहिए और मुझे उनका सुंदर सलोड़ा स्वरूप देना चाहिए। स्वरूप देख रहे हैं इसलिए प्रभु मैं आपसे
आपका ये स्वरूप माता है प्रभु, आप साथ ये स्वरूप सिद्ध किया जाएगा। जिसमें कल्याण होगा, उस कार्य को करने हेतु मैं सदैव तत्पर हूँ। ये भक्त नारद, मैं आपको अपना रूप प्रदान करता हूँ। कहाँ बैठेंगे आप? कोई ऐसा स्थान हो जो सबसे परे हो और सर्वोत्तम से होना चाहिए। वो भी तो व्यवस्था की गई है महाराज, इससे बढ़िया सिंह आसन तो मिल ही नहीं रहा है। अच्छा हाँ, आइए बैठिए।
अभी तो तैयारी चल रही है, मैं अपना संग्रह करता हूँ। आप संग्रह प्रारंभ करिए। आइए महाराज बैठिए। मैं दुर्वचन नहीं पहुंचे
Thank you.